नमस्कार दोस्तों, अब आईपीएल में भी एक बार फिर कोविड का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है। टीम का अगला मैच पुणे में है, लेकिन क्वारंटाइन के चलते टीम को होटल में ही रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों की 18 और 19 अप्रैल को डोर टू डोर कोविड टेस्ट किए जाएंगे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला 20 अप्रैल को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ होना है। दिल्ली कैपिटल्स वर्तमान में आईपीएल 2022 अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। दिल्ली के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट को कोरोना हुआ था, जिसका खुलासा होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को आरसीबी के खिलाड़ियों के से मैच के बाद हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया गया था। वहीं अब खबरें हैं कि फिजियो के बाद किसी खिलाड़ी को भी कोरोना संक्रमण हो गया है, जो कि टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं टीम के आगे के मैच को लेकर बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक कोविड संकट के बीच प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने में विफल रहने वाली टीमों के मुकाबले को स्थगित कर दिया जाएगा। यदि यह संभव नहीं हुआ तो इस मामले को आईपीएल की तकनीकी समिति को भेजा जाएगा और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि अगले साल से महिला आईपीएल की शुरुआत हो सकती है। आईपीएल को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा नहीं थी। वहीं आईपीएल फैंस लंबे समय से महिला आईपीएल की मांग करते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। लंबे समय बाद महिला आईपीएल शुरू होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि अगले साल की महिला आईपीएल की योजना पर काम कर रहे हैं और कितनी टीमें हो सकती है और कौन सी विंडो उपयुक्त रहेगी, इन सब पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि पुरुष आईपीएल भी है। अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस लीग को लेकर वास्तव में उत्साहित है। कुछ फ्रेंचाइजी ने इससे मैं पहले भी रुचि दिखाई थी, लेकिन टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। 6 टीमों के साथ शुरू हो सकता है।